बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वैल्यू न्यूज़ के साथ मैं हूँ चौधरी अहमद अली। निसार तेरी चहल पहल पर हज़ार ईद रबी अव्वल, सिवाय इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ ग्रेटर इकबाल पार्क लाहौर में, जहाँ पर 38वीं सालाना आलमी कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो कि तहरीक मिनहाजुल कुरान के ज़ेर एहतमाम की जा रही है। यहाँ पर 40,000 से ज़ायद जो हैं वो कुर्सियाँ लगाई गई हैं, 40,000 से ज़ायद जो हैं यहाँ पर लोग बैठ सकते हैं। लोगों का जोश व वलवला यहाँ पर दीदनी है, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर हैं। और कुछ ही अभी तलावत कलाम पाक हुई है, उसके बाद नात खां जो हैं वो नात पेश कर रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर, और कुछ देर बाद जो है डॉक्टर ताहिरुल कादरी जो हैं यहाँ से ख़िताब करेंगे। तो यहाँ पर लोगों से जानेंगे कि उनकी कैसी फीलिंग्स हैं, यहाँ पर आकर कैसा महसूस करते हैं, और यहाँ पर कितने अरसे से जो हैं वो आते हैं। तो आइए चलते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले हम इंतज़ामिया से बात करेंगे, जो इंतज़ामिया के अहदेदार हैं, इस्तकबालिया डेस्क को वो देख रहे हैं, जितने भी लोग आ रहे हैं उनको वो देख रहे हैं, तो उनसे बात करेंगे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, बताइएगा इंतज़ामात के हवाले से, 38वीं सालाना है माशाल्लाह, 38 साल से ये होता आ रहा है, तो इंतज़ामात के हवाले से क्या देखते हैं और कितने लोग जोगदर जोग आते हैं और किस किन इलाकों से आते हैं? ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग जो है इंशाल्लाह शरीक होंगे, बल्कि ये तादाद जो है लाखों तक भी पहुँचती है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से लोग जो है शरीफ ला रहे हैं। काफिले हमारे रवाना हो चुके हैं और आ रहे हैं, बिलखसूस मशायख के हवाले से, क्योंकि मैं उलमा मशायख कमेटी जो है उसका मेंबर हूँ, इस्तकबालिया कमेटी का। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आज यहाँ पर जो मशायख तशरीफ़ ला रहे हैं बड़ी मरूफ दरगाहों के, बिलखसूस बाग पतन शरीफ से हज़रत सैयदना बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकरतिल्लाह तआला के सजादा नशीन जो है हज़रत साहिबजादा दीवान अहमद मसूद चिश्ती साहब, वो तशरीफ ला रहे हैं। उनके साथ साथ मुहतरमुल मुकाम इज़्ज़त तमाम जनाब सैयद अब्दुल माजिद महबूब गिलानी एपटा हवेलियाँ शरीफ से वो तशरीफ ला रहे हैं। उनके साथ साथ सिलसिला आलिया सैफिया के सरबराह जो हैं हज़रत शेखुल हदीस साहिबजादा अब्दुल हमीद जान सफ़ी साहब आस्तान आलिया फ़कीराबाद वो तशरीफ़ ला रहे हैं। इसी तरह तमाम मकातब फ़िक्र के जो जैयद उलमा जो हैं वो तशरीफ़ ला रहे हैं, वो अपनी मसाले की नुमाइंदगी। दूसरे ममालिक से भी कुछ लोग आते हैं, इस दफ़ा भी क्या वो आ रहे हैं? जिस तरह हाँ पहले होता था कि मशायख और बड़े उलमा तशरीफ़ लाते थे, इस दफ़ा वो तो नहीं है, लेकिन तंजीमी लोग जो हैं वो शिरकत के लिए तशरीफ़ लाए हैं। नाज़रीन, मुल्क भर से जो है वो उलमा मशायख यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं, लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद होती है। सालाना आलमी कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है होती है, और 12 रबीउल अव्वल से पहले जो है वो रात को जो है ये मिलाद कॉन्फ्रेंस मनाई जाती है, और यहाँ पर नात खानी की जाती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर, हदीए गुल्हे अकीदत पेश किए जाते हैं। नाज़रीन, सोशल मीडिया कैंप पर मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर हेड जो है वो हमारे साथ मौजूद है, वो हमें बताएंगे कि किस तरह जो है वो सोशल मीडिया पर वर्किंग करते हैं, साथ साथ यहाँ से कवरेज होती है और उसके बाद साथ ही जो है वो अपलोड भी की जाती है सोशल मीडिया पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, किस तरह मैनेज करते हैं, यहाँ से कवरेज हो रही होती लाइव और यहाँ से आप अपलोड भी करते हैं, अपडेट करते हैं सारे लोग? अल्हम्दुलिल्लाह ये मिराज कुरान की एक पूरी मुकम्मल सोशल मीडिया टीम है, जिसमें तकरीबन सैकड़ों का एक्टिविस्ट जो हैं वो शामिल हैं। यहाँ पर जितना भी कंटेंट जनरेट हो रहा है ये सोशल मीडिया टीम के ऊपर, एक ग्राफिक्स की टीमें हैं कंटेंट जनरेट कर रही हैं, वो टीमें हैं, ट्विटर्स की टीम्स हैं, फेसबुक के लिए टीमें हैं, यूट्यूब कॉन्टेंट जनरेट कर रही हैं, ये सारी टीमें मिल के इस पूरे इवेंट की कवरेज कर रही हैं। ठीक है, तो कितने लोग आपकी टीम में शुमार होते हैं, ये परमानेंट होते हैं या आप डेली बेसिस? ये सारी वॉलंटियर्स चल रही होती हैं टीम में, इसमें सैकड़ों एक्टिविस्ट हैं हमारे पास। यहाँ पर एक स्पेसिफिक कैंप लगाया जाता है, जो कि मिलाद और इसके दीगर जितने भी हमारे इवेंट होते हैं उनके ऊपर स्पेसिफिक कैंप्स लगते हैं। यहाँ पर स्पेसिफिक जो यहाँ के नज़दीकी एक्टिविस्ट होते हैं वो बुला के हम उनको यहाँ पर एंटरटेन करते हैं, ताकि वो उस इवेंट की कवरेज करें। इसके अलावा दीगर हमारे सैकड़ों हज़ारों एक्टिविस्ट हैं जो कि इसी कैंप के साथ अटैच होते हैं, वो इन एक्टिविटीज़ को साथ में मेंटेन कर रहे होते हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पर सोशल मीडिया कैंप पर मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स पर, फेसबुक पर अपडेट करने के लिए लोगों को, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करने लग पड़े हैं, तो इस वजह से जो है वो सोशल मीडिया कैंप बनाया गया, ताकि लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पर भी देख सकें। स्टेज की बाएं जानिब जो है वो ख़वातीन के लिए इंतजाम किए गए हैं, यहाँ से मखसूस एंट्रेंस जो है वो ख़वातीन के लिए बनाई गई है, अलहदा पर्दे का इंतज़ाम किया गया है, जबकि बाएं जानिब जो है वो मर्दों के लिए इंतजाम किए गए हैं, ताकि मर्दों के लिए सीटिंग बनाई गई है। यहाँ पर ख़वातीन भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जो कि महफिल मिलाद में आई हुई हैं, और साथ ही जो है यहाँ पर सोशल मीडिया के वर्कर्स भी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि वो यहाँ पर बैठ के जो है वो कैंप को किस तरह मैनेज करते हैं, अपनी सोशल मीडिया टीम को किस तरह मैनेज करते हैं।
मैं कराची से आया हूँ। अच्छा माशाल्लाह, कराची से हैं, इतना दूर से सफ़र तय करके आए, तो कितने साल से आप इस कॉन्फ्रेंस में आते हैं सालाना? मैं साल हा साल से आ रहा हूँ, जब से मिलाद मुस्तफा जहाँ शुरू हुआ उसी वक्त से आ रहा हूँ। तो कैसा महसूस करते हैं जब कॉन्फ्रेंस में आते हैं? माशाल्लाह मिलाद होता है, नातें पढ़ी जाती हैं, बड़ा सुकून मिलता है। हुज़ूर शेखुल इस्लाम कबला का मुतों का खताब होता है, उससे दिलों को बड़ा सुकून मिलता है। हुज़ूर की विलादत का दिन है, लोग सारे अपने काम छोड़ कर जहाँ आते हैं। मैं वहाँ डिस्ट्रिक्ट मरीज गुरश नदीब के मैं वहाँ नाजम मालिया हूँ, पाबंदी से हर साल आते हैं अल्लाह के फजल। जी हम शाहदरा टाउन लाहौर से आए हैं। लाहौर से ही हैं, कितने अरसे से इस कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं? ये तकरीबन हम 10 साल से आ रहे हैं। 10 साल से आ रहे हैं, तो कैसा महसूस करते हैं यहाँ पर आके? ये माशाल्लाह जी अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सैयदी या रसूलल्लाह वला आलिका वसहाब का या सैयदी या हबीबल्लाह। हम मुजद्दद वक्त हज़रत अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की खिताब सुनने के लिए हर साल अर्थात 10 साल से इधर आ रहे हैं और आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। इधर आके हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनसे लगाव और उनकी तलीमात का सबक मिलता है। सर कितने अरसे से इस कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं? ये तकरीबन मुझे तकरीबन सन 87 से आ रहा हूँ। 87 से आ रहे हैं माशाल्लाह, तो कैसा लगता है इस कॉन्फ्रेंस में आकर खिताब सुनकर नाते सुनकर? यहाँ आके हम देखते हैं कि अल्लाह, एक साल बाद आना होता है हमने, तो देखते हैं कि रब की रहमत यही हमें मिलती है। नाज़रीन इस टाइम मैं लाहौर के इस्तकबालिया कैंप में मौजूद हूँ, जो कि इश्तियाक हनीफ मुग़ल साहब जो है कि इनके सरबरा हैं, और यहाँ पर जो जितने भी उलमा मशायख आते हैं, जितने भी नातखा आते हैं, उन्हें डील किया जाता है। तो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर कैसे कैंप को चलाते हैं, लोगों की बड़ी तादाद आती है, उसको किस तरह मैनेज किया? राना नफीस हुसैन सदर तहरीक मिनहाजुल कुरान लाहौर, अल्हम्दुलिल्लाह आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस मीनारे पाकिस्तान की सरजमीन पर ये जो मनक़द होती है, ये दुनिया इस्लाम की एक बहुत बड़ी मिलाद कॉन्फ्रेंस होती है। ये इसकी तादाद लाखों शुरका तक जाती रही। अब जो हालात कोरोना के और मुल्क में जो लॉकडाउन के थे, इसके पेश नज़र हमने थोड़ी सी तादाद कम की है, लेकिन इस साल भी इंशाल्लाह अज़ीज़ 50,000 से ज़्यादा लोग आएंगे। हमने इसकी 4 इंट्रीज रखी हैं, सामने आप देखेंगे तो पब्लिक वहाँ से इंटर हो रही है, दूसरी तरफ ख़वातीन की एंट्री है, तीसरी तरफ वीआईपीज की एंट्री है। ये लाहौर के जो हमारे कायदीन आएंगे, हमारे पीपी हल्का जात के नुमाइंदे आएंगे, नेशनल असम्बली के हल्का जात के नुमाइंदे जो आएंगे, या हमारे टाउन के जिम्मेदारान आएंगे, ये उनके लिए हमने रिसेप्शन लगा रखा है। सर आपने नात पढ़ी माशाल्लाह बहुत अच्छी पढ़ी थी, अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले। आप मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर कितने लोग और मौजूद होते हैं, और आपके जज्बा कैसा होता है इसमें? देखें हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत के मौका पर मैं क्या, एक हर मुसलमान को सब चीज़ों से बढ़कर खुशी होती है, क्योंकि हर इंसान अपने जान माल और अपने माँ बाप से बढ़कर हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत फरमाता है, तो उनकी आमद की खुशी के हवाले से तमाम अहबाब बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेते हैं और जोश व खरोश से मनाते हैं। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर का नात खान हूँ, मैंने जैसा अभी आपके सामने हुजूर के बारगाह में मदह सराई पेश की, और इसके अलावा बेतहाशा नात खान अभी पाएंगे हुजूर की बारगाह में, जो है तो अपना नजराना पेश करेंगे, खिताबात भी होंगे, उलमाए कराम होंगे और मशाइख उज़ाम भी होंगे और दीगर मजाहिब के रहनुमा भी यहाँ अभी तशरीफ़ लाएंगे। मैं बेसिकली मिराजुल कुरान का बहुत बुनियादी जो मेम्बरान है ना, उनमें से शामिल हूँ जो 1986-85 उस ज़माने से, उसके बाद में कुछ सिलसिला मुनक़दा भी हो गया था, लेकिन फिर भी इनके साथ ताल्लुक़ रहा, और ये कॉन्फ्रेंस में बनफ़से नफीस भी आने का शर्फ़ हासिल होता रहा, सादत मिलती रही, और इनके साथ लाइव जो टेलीकास्ट के ज़रिए भी, और इनके जितने हमारे पास सारे वो हैं इनकी तहारीर और कुतब और जितने इनके तफासीर, उनके साथ मुस्तफीद होते रहे हैं। तो मैं कैसा महसूस करते हैं यहाँ पर आके जब आप सालाना महफिल आते हैं, आपकी फैमिली भी ज़ाहरी बात आती होगी, तो कैसा महसूस करते हैं और क्या पैगाम देते हैं नौजवानों को? जी महसूस तो यहाँ बड़ा ज़ाहरी बात है, बड़ा रूहानी सा मंजर होता है, रूह परवर होता है और एक ईमान ताज़ा हो जाता है, जैसे अभी नातें सुन रहे हैं और एक आँखों में नमी आ जाती है, और हर साल इतना फिर एक जहाँ पे अल्लाह का नाम लिया जाए, रसूल पाक का नाम लिखा जाए, जिक्र किया जाए, वहाँ अल्लाह के फरिश्ते उतरते हैं। नाज़रीन अब हमारे साथ मौजूद हैं मरकज़ी कमेटी के नायब सदर, उनसे जानते हैं कि कैसे इंतजाम हैं और लोगों का जोश और वलवला कैसा है और किस तरह जो है ये इंतजाम कर दिए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाह।
सर कितने अरसे से ये चल रहा है और कैसे इंतजाम मुकम्मल किए जाते हैं, दारुल कादरी साहब की जानिब से भी देखे जाते हैं और कैसा लोगों में जोशो बलबला देखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मिनहाजुल कुरान के ज़ेरे तमाम मुसलसल 38 साल से आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो रहा है और ये भी तहदीस नेमत के तौर पर मैं इसका इजहार करूँगा कि आलम इस्लाम के अंदर मिलादुलनबी के हवाले से ये सबसे बड़ा इज्तमा होता है। इस दफ़ा भी हमने 40,000 से ज़ायद अफराद को शिरकत के दावतनामे दिए हैं और तादाद इससे बढ़ जाती है। और जैसे आपने तैयारियों के हवाले से कहा, चूँकि ये हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद पाक है, ये वो खुशी है जो दुनिया की हर खुशी से बालातर है और बुलंदतर है। इसके इंतजाम जो है वो कम से कम 2 महीने पहले हम शुरू कर देते हैं। यहाँ पर भी जो आप इस वक्त पंडाल देख रहे हैं, इसकी तज़ीनो आराइश के लिए और इंतजाम इंसलाम के लिए मुसलसल 1 हफ्ते से यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं और यहाँ पर ख़वातीन के लिए अलहदा से इंतज़ाम किया गया है, बच्चों के लिए अलहदा से इंतज़ाम किया गया है, माजूर अफराद के लिए भी और मुख्तलिफ तबका हाई ज़िंदगी से तल्लक रखने वाले अफराद के लिए मुख्तलिफ इनकलोजर बनाए गए हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पर ख़वातीन के लिए भी इंतजाम अलहदा से किए गए हैं। चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी इतनी है कि वो हर खुशी से जो है वो बरकर है, तो उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मिलाद मनाना चाहिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर जो है वो नात पेश करनी चाहिए और खुशियाँ जो है वो मनानी चाहिए, क्योंकि ये खुशी सबसे बढ़कर है। तो आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।